Hey guys, कैसे आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हैं। तो आज ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन आ रहे हैं पास में एंड बहुत लोग को ये चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाउ टू कट वेट, वाटर, जो भी हिसाब है, मतलब एट द एंड आपका वेट लॉस ही होने वाला है फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिशन। तो हम लोग इसको बोलते हैं वाटर कट, वेट कट, गट कट। सो अपने पास ऐसे तीन, मतलब मेन तो दो टाइप है, एक होता है गट कट और एक होता है वाटर कट। सो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा वॉट इज गट कट एंड उसके बाद वाटर कट पे आता है, बिकॉज गट कट थोड़ा सा सेफ है एंड उस पर ईजी होता है टू अकम्पलिश गट कट। सो पहले गट कट में एक वीक आउट पे ही वी ट्राई टू ईट सिंपली डाइजेस्टिंग फूड, मतलब विदाउट फाइबर्स एंड ऑल। तो हम लोग के जो पेट में जो पूप होता है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है, वो निकल जाएगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो वी कैन हैव, सबसे ईजी जो मैंने किया था इन 2019 जब मैं वाटर कट कर रहा था, तो अब आई वॉज यूजिंग आलमंड्स, अपना कैशू नट्स हो गए, बिकॉज दोज आर वेरी हाई इन कैलोरीज एंड डेंसिटी एंड बहुत ईजी होता है कैरी करने के लिए। फिर अपना ये हो गया चॉकलेट्स एंड ऑल, वो भी अच्छे होते हैं। इट्स मच बेटर टू ईट चॉकलेट बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। कुछ भी हाई कैलरी जंक फूड, फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल, दोज आर वेरी गुड। तो KFC हो गया, KFC नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, सॉरी गाइस, KFC रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रोटीन शेक भी अच्छा है बिकॉज ज़्यादा टाइम अपने बॉडी रहता नहीं है एंड इट्स फ्लशेज आउट क्विकली। एग्स हो गया, एग्स इज ऑल्सो अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर गट कट। एंड उसके बाद क्या ऑप्शन अब तक नहीं आते? जंक फूड इज लाइक कॉम्पिटिशन से पहले अगर आपको डाइजेस्टिव इशू नहीं है, यू कैन हैव सम जंक फूड विच इज़ द बेस्ट स्टफ एवर, बिकॉज मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, आई लाइक टू ईट जंक फूड। एक और चीज़ है पॉपकॉर्न, जो देवा ने मुझे बताया, मैं देवा से बात कर रहा था अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो देवा ने मुझे बताया कि उसको ऐसा होता है। एंड वाटर कट का मैनिपुलेशन इज़ वेरी इजी, मैं यहाँ पे चार्ट बना दूंगा साइड में, आई जस्ट सिट अ बिट लाइक दिस, तो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। तो 6 days आउट विल कैलकुलेट कि आपका बेसिक वाटर इनटेक कितना है, आप कितना पानी पीते हो। फ्रॉम दैट कैलकुलेशन यू कैन गो लाइक इंक्रीज लाइक 1/4 ऑफ ए वाटर इंटेक। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5 liter पानी पी रहे हो, तो स्टार्ट ड्रिंकिंग 7 liters ऑफ वाटर एवरी डे। तो जैसे ही पानी का इंटेक बढ़ता है, आपके बॉडी में ये होता है टाइप ऑफ मैकेनिज्म होता है कि जैसे ज़्यादा पानी आता है, योर बॉडी स्टार्ट स्पिंग इट आउट ऑल आउट। तो आप नोटिस किया रहेगा, कभी आप पानी पीते हो तो आपको सुसु बहुत आती है, तो दैट्स द मैकेनिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जैसे ही आप पानी पियोगे ज़्यादा, डे बाई डे वो एडजस्ट हो जाएगा। एंड इन द लास्ट डे आई वॉन्ट लाइक 12 hours बिफोर वेइंग, तो यू कैन कट योर वाटर इनटेक इन हाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 liter पानी पी रहे हो, तो उस दिन बस 3.5 liters ही पानी पियो, सो इट विल हेल्प अ लॉट इन दैट सेंस। तो एंड उसके ऊपर से यू कैन मैनिपुलेट योर सोडियम इनटेक ऑल्सो। सो 6 days आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन यू इनटेक हाई सोडियम, मतलब खतरनाक, इत खतरनाक हाई भी नहीं, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा अराउंड 3000 मिलीग्राम्स के आसपास। डे 6 पे यू कैन हैव, उसके बाद कीप इट सेम टिल डे 2 ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड स्टार्ट मैनिपुलेटिंग ऑन दैट डे। डे 2 पे यू कैन डिक्रीज इट अ बिट एंड बहुत कम खाओ, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा अराउंड 200 mg ऑफ NaCl, साल्ट, नमक, सोडियम, जो भी बोलना चाहो। एंड जैसे ही कॉम्पिटिशन का टाइम है, 12 घंटे पहले ही, मतलब वो सेकेंड डे कॉम्पिटिशन के एक दिन पहले, सोडियम आई वुड रिकमेंड टू कट इट ऑफ कम्प्लीटली। सो 12 घंटे पहले, नॉट बिफोर दैट, आफ्टर 12 hours। फॉर एग्जाम्पल आपका वेइंग सुबह 6 बजे है, तो 12 घंटे पहले, मतलब 6 in the evening, आई वुड रिकमेंड टू कट योर
सोडियम इंटेक, योर वाटर इंटेक, तो वैसे वी कैन हैव अ लॉट ऑफ रूम फॉर योर बॉडी टू एक्सक्रीट वेस्ट आउट एंड नॉट गेनिंग वेट. सो वो है ये है टर्म है कि हम लोग कैसे अपना वेट मैनिपुलेट कर सकते हैं. एंड अगर आप स्पेक्स पहनते हो, घड़ी पहनते हो, ये निकाल के वेइंग करो, बहुत कम वेट आता है. तो वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही, बट जो स्पेक्स पहनते हैं लोग, वो लोग भूल जाते हैं स्पेक्स निकालना. तो रिमेंबर टू रिमूव योर स्पेक्स. तो दैट्स अ थिंग. एंड वन मोर थिंग, ये सब कुछ तो हो गया, आपने अच्छा खासा वेट भी कट कर लिया, आप कॉम्पिटिशन में बन गए. तो नाउ हाउ टू रिहाइड्रेट, जो आपने लूज़ किया है वो कैसे रीगेन करें. तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर एकदम बहुत बेकार है. एंड मैंने इसमें घाई किया था, स्पेशली जिन जिनका पेट अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, फॉर लाइक मी, मैंने बहुत जल्दी ही गेटोरेट एंड ऑल स्पोर्ट्स ड्रिंक जल्दी जल्दी पी लिया था. एंड मुझे उसके बाद थोड़ा सा ब्लोटिंग फील हुआ एंड आई स्टार्ट प्यूकिंग. तो वो मेरे साथ इशू होता है. ग्लूटामीन कैन हेल्प एज वेल. इफ यू ऐड अबाउट लाइक 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामीन पर सर्विंग ऑफ ORS, दैट कैन ऑल्सो एलिविएट सम डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस व्हिच माइट हैपन इफ देयर वाज नो ग्लूटामीन इन्वॉल्वड अर्लियर. तो इसमें मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, स्लोली बट श्योरली कंज्यूम, भूलना नहीं कंज्यूम करना हाई शुगरी फूड्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव इलेक्ट्रोल पाउडर, दैट कैन हेल्प अ लॉट. जो अपने अगर आपने वाटर कट एंड सोडियम कट किया है तो यू कैन अप्लाई इलेक्ट्रोल, मतलब इलेक्ट्रोल पी सकते हो, इट विल बी वेरी गुड बिकॉज इट हैज़ इलेक्ट्रोल्स. एंड उसके साथ पानी भी पी रहे हो तो एक अच्छा बैलेंस बनेगा. गेटोरेट एक अच्छा ऑप्शन है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है. सो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ट्राई रसना. रसना अच्छा चीज़ है. यू कैन हैव शुगरी ड्रिंक्स लाइक माजा एंड ऑल. बहुत लोग माजा प्रेफर करते हैं, फ्रूट ड्रिंक्स एंड जो भी आता है एप्पी वगैरह विदाउट फीज वाला, फिज वाला, यू कैन हैव दैट ऑल्सो. एवरी शुगरी ड्रिंक यू कैन थिंक. मैं रिकमेंड नहीं करूँ चॉकलेट्स खाने के लिए बिकॉज चॉकलेट्स में थोड़ा फैट होता है, तो आई अवॉइड दैट. चीज़ भी मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज चीज़ इज़ वेरी हाई फैटी एंड बहुत लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. मैंने एक बार देखा था एक ग्रुप ऑफ लोग चीज़ खा रहे थे बिफोर कॉम्पिटिशन. सो डोंट रिकमेंड दैट, अवॉइड दैट. अवॉइड हाई फैट बिफोर द कॉम्पिटिशन. यू कैन कंज्यूम इट, ऑफकोर्स यू कैन कंज्यूम हाई फैट, मतलब हाई फैट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा फैट कंज्यूम कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता. साइंस मतलब यू रिकमेंड नहीं करता, बट मैं थोड़ा सा खाता हूँ फैट्स टू कीप माई गट इन बैलेंस बिकॉज मुझे बहुत इशू है, वॉमिटिंग का इशू है. तो मैं आई प्रेफर सबवे बिफोर द कॉम्पिटिशन बिकॉज इट कीप्स मी फुलर थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन. एंड मैं कॉम्पिटिशन में मैक्स आउट भी नहीं करता हूँ, दैट्स वन मोर थिंग. मैं मैक्स आउट नहीं करता अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, मैं बस नेशनल मैक्स आउट करता हूँ. और मैं नेशनल में यही प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ अगर मुझे वेट कट करना है, या मैं बस ट्राई कर रहा हूँ जस्ट टू ईट सम लाइट फूड बिकॉज अगर मैं हैवी खाता हूँ तो इट गेट्स मेस्ड अप. तो रिप्लेनिशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर ज़्यादा ध्यान देना एंड स्लोली रिप्लेनिश करना, मतलब पानी सिप करते रहना एवरी 5 to 10 minutes. अगर मन भी नहीं कर रहा तो सिप करते रहो हल्के हल्के में, तो डैट विल मेक श्योर कि आप फुली रिप्लेनिश्ड हो एंड यू गेन बैक ऑल यू लॉस. सो दैट विल बी अ बिग बेनिफिट फॉर यू. एंड थिंक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड शुगर बिकॉज दोज आर गोना बी योर फ्रेंड्स इन द कॉम्पिटिशन, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली आपका एनर्जी जल्दी शुगर से ही आएगा फॉर द कॉम्पिटिशन. सो मैं रिकमेंड करूँगा एट दैट. एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर जो कॉम्पिटिशन 2 hours वेइंग में होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 24 hours वेइंग. इसमें बहुत सारे और इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट यू कैन ट्राई. मे बी ड्रॉइंग सम हॉट वाटर बाथ, एडिंग सम एप्सम सॉल्ट इन इट. इफ यू हैव, इफ योर एथलीट हैज एन एक्सेस टू अ बाथटब, दे कैन ऐड यू नो मे हाफ अ किलो ऑफ एप्सम सॉल्ट in a like hot water bath, as hot as they can handle, and just immerse their body in there for about 45 minutes and hopefully by the time they're out of it and they completely, you know, wash off all the grime and the water, they would have lost anywhere between 300 to 900 grams of water weight almost. That's like a last minute save. We can do like steam or sauna also for that. Yeah,
Because I've like seen people doing that, and I've seen people like put on a hoodie or a jacket and running outside in the in the sun, and then sitting to getting the sweat out of the body. Yeah, that's pretty standard for your boxing and MMA fights as well. That's a pretty standard practice. Some people some people also use diuretics, which are sort of like a hit and miss, and they could be potentially dangerous also, because there is an element of, you know, electrolyte disbalance, which can cause tachycardia, maybe some heart attacks as well. So that is a risky business, not worth it in my opinion. And that's not legal in IPF, so we can't use those. Yeah, of course. So natural diuretics works. Yeah, of course. Yeah, natural diuretics would work, but ideally, in a perfect scenario, you should be well prepared or prepared enough to not have to rely on diuretics. Yeah. Firstly, focus on like gut cut, then water cut, sodium manipulation, and what was the fourth one? Like I said, you know, water immersion, draw an Epsom salt bath, and eliminate all fiber from your diet for about 2 to 3 days. Yeah. And if you have some caffeine, maybe 1 hour before your weigh-in, right? Caffeine for not all people, I would say 8 out of 10 people also experience some peristalsis, which is essentially caffeine makes you poop, right? Poop, yeah. It does. So that will kind of expedite the elimination of whatever gut content there is. Yeah. And also probably add some strength to your lift. So that's a bonus. Yeah, most probably. I use caffeine before the competition, but for me, it develops like a bit of anxiety because of the caffeine. I am not used to caffeine at all. I just take like 100 mg of caffeine with L-theanine that doesn't have a caffeine crash in it. So it's a bit mellow for me, but also I hate caffeine. Yeah, a black coffee could work just as well. And if you are super sensitive to caffeine, maybe some hot water, because, you know, hot water, I mean, water being hot would also dilate your intestines, kind of, you know, make them a little more relaxed, which would again aid in some elimination of feces. I mean, now we got the last 2 or 3% of weight budge, that whatever little we can churn out of whatever strategies we have at hand. Yeah. So I guess that's it for the video. Thank you, Pranav, for being on the video. My pleasure, man. Thank you. Do you have a YouTube channel? No, man. I do not. I actually just started off in the fitness industry about 3 to 4 months ago. So I'm not really a full YouTube scenario. I do have an Instagram. I'll just share your Instagram account over here. Okay, man? Yeah. Okay, it man. It was a pleasure. Yeah. Thank you so much for being with us. Peace out. Likewise. Hello, take care. Bye-bye. Be very realistic with your weight cut, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि मैं 10-20 किलो कट कर लूँगा. That's not realistic. Like 3 to 5% of your body weight is a realistic goal. तो keep that in mind. Be realistic. And एक और चीज़ बताना भूल गया मैं. Sorry guys. वेइंग मशीन खरीद लो अगर आपके पास नहीं है. अगर है तो वेल एंड गुड. तो स्टार्ट योर वेइंग, मतलब आप फ्रॉम द डे 6 एक वीक आउट कॉम्पिटिशन के स्टार्ट वेइंग योर सेल्फ इन द मॉर्निंग आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग. सो हम लोग एक आइडिया जाए कि कितना डिफरेंस इन द वेट फ्रॉम द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. सो वी विल हैव अ गुड आइडिया. अगर आप खा के नहीं गए तो यू कैन लूज हाउ मच केजेस इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. तो अगर आपके स्विंग स्किल है तो दैट्स अ ग्रेट टिप अगेन, बिकॉज ये मैंने सेम चीज़ भी नेशनल फॉलो की थी. आई हैड कट बाय वेट फ्रॉम अराउंड 107 और 106 केजीज टू 97.7, जो नेशनल रिकॉर्ड में आपको दिख जाएगा अगर आप पावरलिफ्टिंग इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे. तो उतना मैंने कट किया था जस्ट ऑन आलमंड्स प्रोटीन शेक एंड थोड़ा कैशू नट्स लिया था मैंने उस टाइम पे, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स बहुत ईजी होते कैरी करने के लिए.
एंड उसके बाद क्या खाया था मैंने, कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स इज अ गुड फ्रेंड, राइस वगैरह इट्स वेरी इजी डाइजेस्ट, अपना गटकट के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्ज एंड ऑल बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल, प्रोटीन शेक्स बट विदाउट मिल्क, अगर मैं मिल्क चलता है कोई इशू नहीं है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया डिसलाइक करो, सीधा स्ट्रांग रहो, पीस आउट. Got the mojo deal, we been trippin' like crazy. Pull out the coupe at the light.